अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आई हूँ F10 मरकज़। यहाँ पे बैतुल अरब मंदी की एक ब्रांच है, खब्बे की सज्जी के साथ है बिल्कुल। तो वहाँ मैं खाना खाने आई थी, सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। F10 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे फ़ूड आउटलेट्स हैं जो कि मैंने ट्राई किए भी हुए हैं, लेकिन दोबारा जब भी चक्कर लगा तो आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगी। तो ये राइट साइड वाली मार्केट है जहाँ पर ज़्यादा तादाद में फ़ूड से रिलेटेड शॉप्स हैं। तो ये जो है अभी सीरियन शवरमा, पहले तो सिर्फ और सिर्फ शवरमा मिलता था, लेकिन अब ये प्लेटर्स देते हैं। तो प्लेटर्स के लिए बारबेक्यू बन रहा है, सज्जी बन रही है, काबली पुलाव प्लेटर ये एक होता है जिसके ऊपर सीख कबाब और बहुत सारे ये टिक्के वगैरह डाल के ना सज्जी ये देते हैं। तो फ्राइज़ बन रहे हैं ज़ोर शोर से, मेरे को बताया था कि फ्राइज़ यहाँ पे बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो अभी रोड के अक्रॉस वो सामने है खब्बे की सज्जी। एज़ यूजुअल लोगों का बड़ा रश है, और मैं इस चीज़ में कंफ्यूज थी कि मुझे बैतुल अरब मंदी पे जाना चाहिए या मुझे खब्बे की सज्जी पे जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी बैतुल अरब मंदी पे चली जाती हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर खब्बे की सज्जी पे चली जाऊँगी। तो बैतुल अरब मंदी की ब्रांचेज जो हैं F7 में भी मैंने देखी है, DHA में भी देखी है, और भी डिफरेंट जगहों पे इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। मैं F10 वाली पे आई हुई हूँ, और ये क्योंकि मुझे ज़्यादा करीब पड़ती है ये वाली ब्रांच ना, तो इसलिए मैं इधर ही आती हूँ। कुछ टेबल्स इन्होंने यहाँ बाहर लगाए हुए हैं, 3 टेबल्स बाहर थे। अंदर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से ये कंपार्टमेंट्स हैं, और उसमें इन्होंने ज़मीन के ऊपर बैठने का बंदोबस्त किया। इसको इस एक कंपार्टमेंट का नाम इन्होंने मजलिस रखा है। नीचे वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं, आई गेस नीचे 2 हैं, ऊपर 3 हैं। 2 जो हैं वो राइट साइड पे और एक जो है लेफ्ट साइड पे है। और नीचे वाले जो है ना उसमें AC लगा हुआ है, लेकिन ऊपर AC नहीं लगा हुआ, ऊपर सिर्फ फैंस हैं। तो कोशिश कीजिएगा अगर कभी भी चक्कर लगता है ना, तो आपने नीचे वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं या जो मजलिस है उसमें जगह मिल जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब है। ऊपर कुछ टेबल्स भी लगे हुए, जब मैं स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ रही थी तो आपने देखा होगा राइट साइड पे टेबल्स भी थे चेयर्स के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अंदर बैठ के सुकून से बैठ, जूते उतार के आराम से बैठ के खाना खाने की अपनी बात है। ये इनका कंप्लीट मेन्यू, इनके प्लेटर्स हैं डिफरेंट तरह के, और इनमें जो हाफ प्लेटर होता है ना वो 2 पर्सन के लिए बेस्ट रहता है, पूरा पड़ जाता है वो। तो इसके अंदर जो जितनी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं उतना ज़्यादा उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें मंदी और मदबी ये 2 चीज़ें हैं, इनका फ़र्क आपको बताना चाहिए कि जब कभी भी आप ऑर्डर करेंगे ना मंदी, तो उसमें आपके पास स्टीम मटन आएगा, स्टीम चिकन आएगी, लेकिन मदबी ऑर्डर करेंगे तो उसमें बारबेक्यू मटन और बारबेक्यू चिकन आएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या ऑर्डर किया है। ऑर्डर देने के बाद आपको 30-40 मिनट्स का मिनिमम वेट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेश बनाते हैं आपके ऑर्डर के हिसाब से, फ्रेश बारबेक्यू वगैरह बनता है ना, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं जब आती हूँ, जब भी तो ऑर्डर करती होती हूँ, मटन मदबी मंगवाती हूँ या चिकन मदबी मंगवाती हूँ, मंदी मैं नहीं मंगवाती, क्योंकि एक बार गलती से मैंने मटन मंदी मंगवा ली थी, तो उसका जो मीट था वो ना सिर्फ बहुत गीला था बल्कि अंदर से पिंक था, और बिल्कुल भी कोई फ्लेवर नहीं था उसके अंदर, इसलिए अब मैं वो नहीं मंगवाती। ये जो अभी मेरे पास प्लेटर आया है 2 पर्सन प्लेटर, इसमें 3 सीख कबाब हैं, 3 मलाई बोटी, 3 चिकन बोटी हैं, और 2 पीसेस इसमें चिकन टिक्का के हैं। इसके साथ सर्व हुई है टमाटर की चटनी, बहुत ही मज़ेदार होती है और फ्लेवर देती है राइस को, और साथ में रायता बारबेक्यू के साथ सही है, और जो टमाटर की चटनी है ना ये राइस पर डाल के खाने का मज़ा आता है। वैसे राइस एरोमेटिक है बहुत ज़्यादा, थोड़े से मुझे लगता है कि ज़्यादा ही खड़े चावल होते हैं, उनको थोड़ा सा अगर फर्दर गले हुए हों तो ज़्यादा अच्छा है। फ्लेवर चावल में अपना कोई भी नहीं होता, बस ये होता है कि एरोमेटिक होते हैं, टमाटर की चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये रहा बिल, मदबी हाफ जो है 29.90, 2 मैंने 10 मंगवाए थे। पेमेंट चूँकि मैंने
कार्ड से की थी, 5% टैक्स पड़ा था और टोटल बिल मेरा ऑलमोस्ट 3500 बन गया था। खाना अच्छा था, बारबेक्यू बड़े मज़े का था और हमसे तो ये बच भी गया था, खाना दो लोगों के हिसाब से भी ज़्यादा था। ये देखें खब्बे की सज्जी पे सज्जी बन रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह भी नेक्स्ट जो चक्कर लगेगा मेरा यहाँ पे तो मैं खब्बे की सज्जी ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मदबी प्लेटर अच्छा था या खब्बे की सज्जी, और प्राइस वाइज दोनों में से इकोनॉमिकल कौन सा है। और उन चीज़ों के ऊपर भी मैं लाजमी गौर करूँगी कि इतनी ज़्यादा रश खब्बे की सब्जी पर हर टाइम क्यों होती है। अभी मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। आपको बताया था मैंने तहजीब बेकर्स वालों की जो आइसक्रीम है ना, उसका यहाँ पे एक ब्रांच मौजूद है, सफीलो स्कूप, जिसमें आइसक्रीम शेक्स भी मिलते हैं और आइसक्रीम्स मिलती हैं। तो तहजीब बेकर्स की जो आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है, वो है कोकोनट आइसक्रीम। और इसी तरह अगर मैं कभी आइसक्रीम शेक भी लेती हूँ तो मैं कोकोनट आइसक्रीम शेक लेती हूँ। उनकी प्राइसेस वगैरह आइसक्रीम्स की क्या है, आइसक्रीम शेक्स की क्या है, अभी आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। कोकोनट मैंगो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वनीला एंड कोल्ड कॉफ़ी, ये इनके पास अवेलेबल है। शेक्स में अगर आप मैंगो शेक लेते हैं तो फ्रेश प्यूरी मैंगो की डली होती है जो इन्होंने सीज़न में स्टोर कर ली होती है। ये सारा जो लिखा हुआ है ये आइसक्रीम के रेट लिखे हुए हैं, हाफ लीटर भी मिल जाती है, फुल 1 लीटर भी मिल जाती है और स्कूप्स भी। तो ये साथ में जो है ये अरबिकाना शवरमा चॉकलेट है, लाइट्स बड़ी खूबसूरत इन्होंने लगाई हुई है और बहुत प्यारा लग रहा है। वीकेंड नाइट है, रौनक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अरबिकाना शवरमा पे इस टाइम पे कोई भी नहीं था, क्योंकि जो छोटा सा एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला वो ये था कि जब आइसक्रीम ब्लेंड हुई ना तो मक्खन जिस तरह अलहदा हो जाता है ना लस्सी में, उस तरीके से ये इस तरह बिल्कुल दानेदार सा टेक्स्चर हो गया था इसका। वैसे आइसक्रीम शेक मज़ेदार था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें आई थी जो कि सदर वाली ब्रांच में नहीं आती। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।